श्री गंगानगर में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य सत्यनारायण भूमलिया ने नगर परिषद सभागार में सफाई कर्मचारियों की बैठक कर जनसुनवाई का आयोजन किया। सर्वप्रथम अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के शिष्टमंडल ने प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष अनिल धारीवाल सहित अन्य लोगों को फूल देकर स्वागत किया। इस बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य सत्यनारायण भूमलिया ने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी, साथ ही सफाई कर्मचारियों के हित में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सफाई कर्मचारी यूनियन जिलाध्यक्ष अनिल धारीवाल ने नवीन सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज अस्थायी सफाई कर्मचारी को प्राथमिकता देने की मांग की, ताकि वर्षों से सफाई कार्य कर रही अस्थायी और वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को स्थायी रोजगार मिल सके। नगर प्रसिद्ध भवन में मैंने बैठक आयोजित की, जनसुनवाई की और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर साहब ने भी उनको फ़ोन किया है कि सफाई कर्मचारी पर अनुकंपा नीति है, गैर बाल्मीकि समाज को हटाने का आदेश है, डीपीसी करनी है। यस, कमिश्नर इसके लिए जिम्मेदार है और शीघ्र ही 15 दिन के अंदर इन निर्देशों को पालना करेगा।